रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ तो पंडित जी बताइए, कब का मुहूर्त निकला? एक महीने बाद मुहूर्त है, शादी कर सकते हैं। यार इतने दिनों में तो मैं अमेरिका जाकर वापस आ सकता हूँ। लेकिन दो दिन बाद मंगनी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है, और उस समय अगर मंगनी हो जाती है तो शादी में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। बड़ी अच्छी बात है, तो दो दिन के बाद मंगनी कर लेते हैं और उसके बाद शादी की देखी जाएगी। राहुल, दो दिन में मंगनी की तैयारी है? तो सब कुछ हो जाएगा भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? देखा, सब कुछ हो जाएगा, फिक्र मत करो। अच्छा, मुझे आज्ञा दे। नमस्कार। धन्यवाद। बैठो खोसला। अब देखो भैया, बाकी की सारी बातें तो हो गई तय, लेकिन हमने लेन देन की कोई बात ही नहीं की। तो फिर अभी कर लेते हैं। बोलो, क्या बात करनी है लेने की और देने की? नहीं भाई साहब, आप समझे नहीं, इनका मतलब दहेज से था। आप क्या मांगेंगे? मैं कोई मंगता हूँ जो मांगूंगा? अरे मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ जो मुझे लड़की भी मांगनी नहीं पड़ी, वो भी बिना मांगे मिल गई। नहीं लेकिन देखिए, हमारी तरफ से हम हमारी बेटी को जो देना है वो देंगे ही, लेकिन आप क्या चाहते हैं? ओह, तो अब मैं समझा, आप उस कस्टम की, उस प्रथा की बात कर रहे हैं जिसका नाम दहेज है। यार बड़े समझदार हो तुम, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम क्या लोगे, बताओ ना। क्यों, तुम्हारी बेटी में कुछ कमी है? कैसी बातें कर रहे हो तुम खोसला। तो फिर वो खाने में रुपए खाती है या फिर उसे सोने चांदी के बिस्तर चाहिए सोने के लिए? नहीं भाई नहीं। तो फिर सुनो मेरे दोस्त, जिस कारण दुल्हने, पत्नियां, यहां तक कि माएं भी आत्महत्या करती हैं या फिर उन्हें तेल छिड़क कर जला दिया जाता है, उस कारण को, उस दहेज नाम के जहर को मैं इस रिश्ते में शामिल नहीं होने दूंगा। मेरा बस चले तो मैं दहेज मांगने वाली जबान और उसे देने वाले हाथ दोनों को काट कर फेंक दूं। और अगर अब तुम दोनों ने मुझसे, मुझे इतना नीच समझने की गलती करने के लिए माफी नहीं मांगी तो मैं इसी वक्त ये शादी कैंसिल कर दूं। अरे अरे खोसला, कैसी बातें करते हो यार, लो मुझे माफ कर दो बस। यार शादी जैसे रिश्ते में माँ बाप के हाथों का एक ही काम होना चाहिए, जुड़े रहना। वर्मा साहब। अरे राहुल, आओ आओ यार, बैठो 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 यार। राहुल तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर, आई स्वेयर मन बहुत उचाट हो रहा था, अब तुम आए हो, तुमसे बातें करूंगा तो कुछ कुछ तो रिलीफ मिलेगा। हाँ कभी कभी इधर उधर की बातें करके मन का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ आप किस सोच में पड़े हुए थे, कोई प्रॉब्लम है? यार आजकल कुछ वक्त ही ऐसा चल रहा है कि फूलों में भी हाथ डालता हूँ तो कमबख्त कांटों की तरह चुभते हैं। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्त ही सब कुछ है, इंसान तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी बात सच होने के बावजूद भी इंसानी दिमाग इस बात को कबूल नहीं करता, लगा रहता है उधेड़ बुन में। वर्मा साहब, दिमाग होता ही ऐसा है। अब आप देखिए, एक तरफ तो इंसान को धरती से चांद तक पहुंचा देता है और दूसरी तरफ एटम बम बना देता है। हाँ देखो ना, शीतल के दिमाग को देखो भाई, कोई कसूर किया हो तो सजा मिलेगी ना। मुझे किस कसूर की सजा मिल रही, क्यों छोड़कर चली गई वो मुझे? कुछ पता चला शीतल का? नहीं
नहीं, कुछ पता नहीं चला। लेकिन क्या है कि ये जो उम्मीद है ना, कितना भी नाकाम हो जाए इंसान, ये कमबख्त टूटती नहीं है, खड़ी रहती है अपनी जगह। मुझे भी लगता है एक दिन शीतल जरूर आएगी वापस, उसका पता जरूर चलेगा। वर्मा साहब, मेरी मानिए तो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर जिंदगी में करिश्मे भी तो होते। करिश्मे? जी हाँ, अब देख लीजिए, हमारी ये दुश्मनी खत्म हो गई, ये कोई करिश्मा नहीं है। उधर वैशाली और मुकुल घर से चले गए थे, लौट आए, ये भी तो करिश्मे से कम नहीं है। राहुल, तेरी इस बात ने तो मेरे हौसले बुलंद कर दिए। I swear, I tell you, I mean it. चलिए तो एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। तो दो भाई, जल्दी करो, देर मत करो, लाओ, क्या है? ये लीजिए। ठीक है, ये वैशाली की मंगनी का कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि आप आए और रोहन को भी अपने साथ लेकर आए। मतलब अब तुम्हें कहना पड़ेगा है? मैं जरूर आऊंगा यार। थैंक यू, तो मैं चलता हूँ। अरे बैठो तो सही यार, कुछ देर तो और बैठो। नहीं वर्मा साहब, जरा जल्दी में हूँ, और भी बहुत से कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने। Thank you for coming. Welcome. हाँ, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सलाम राजकुमारी साहिबा। सलाम भाभी, बैठो। जी शुक्रिया। कहो, कोई खास खबर है आजकल बाजार में? सुना है राजकुमारी साहिबा कि दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करने में कभी कोई बुराई नहीं होती। ये कहावत हमने सुनी है। तो बस आजकल यही हालचाल चल रहा है। क्या मतलब? राजकुमारी साहिबा, खबरी के पास मतलब नहीं, खबरें हुआ करती हैं। और ये जो खबर है, ये खास आपके लिए है। कहो। खन्ना और वर्मा परिवार, जिनमें बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी, अब वो दोनों एक हो गए। क्या ऐसा शीतल के जाने से हुआ है? क्यों और कैसे हुआ, ये तो मैं नहीं जानती राजकुमारी साहिबा, पर ये बिल्कुल सच है कि अब वो दोनों एक हो गए। खबरी हर काम, हमारा मतलब है कि हर शुभ काम किसी खास मकसद से होता है या किसी खास मौके पर होता है। मकसद और मौके के बारे में सोचने पर तो यही लगता है राजकुमारी साहिबा कि शीतल के चले जाने से शायद दोनों परिवार के लोगों को गम का एहसास हुआ होगा, जिसने इस दुश्मनी के जज्बे को पिघलाकर एक अपनेपन का दरिया बना दिया। शायद तुम सही कह रही हो। खबरी हमेशा सही कहती है राजकुमारी साहिबा। एक और खास खबर। कहो। कल वैशाली की मंगनी हो रही है और वहां पर शीतल को छोड़कर दोनों परिवार के सभी लोग मौजूद होंगे, तो मुझे इजाजत है? वैशाली की मंगनी, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। वंदना। जी राजकुमारी साहिबा। वंदना, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत दिनों से हमारी जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग या थ्रिलिंग नहीं घटा है? जी हाँ, ऐसा है तो सही। कल से एक नया एक्साइटिंग थ्रिलिंग चैप्टर शुरू होने जा रहा है, और उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा झूठ बोलना है। राजकुमारी साहिबा, बोलना मेरा काम है, लेकिन कही गई बात सच है या झूठ, ये सोचना मेरा काम नहीं है। बहुत खूब। मिस्टर राहुल खन्ना के यहाँ फोन करना है और मिसेस सुनीता खन्ना से बात करनी है। जी, उनसे कहना है कि तुम शिवानी राव की सहेली बोल रही हो। उनसे कहना कि शिवानी राव अपनी भांजी वैशाली की मंगनी पर आ रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, फोन रख देना। जी राजकुमारी साहब। मैं आ रही हूं बड़ी दीदी, मैं आ रही हूं। सच राहुल, दिल में सुकून के फूल कैसे खिलते हैं, आज पहली बार महसूस कर रहा हूँ। जब रिश्तों के बीच का जहर खत्म होता है ना भाई साहब, तब
रिश्तों का अपना निखार ही ऐसी भावनाओं को पैदा करता है। हाँ। आज के हालात एक चीज जरूर साबित कर रहे हैं। क्या राहुल? यही कि मानव जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं। बच्चों की तो ये दिली तमन्ना थी कि दो परिवारों के बीच का तनाव खत्म हो जाए। अरे राहुल, मैं आपको बताना भूल गई, आज एक औरत का फोन आया था, उसने कहा कि आज वैशाली की मंगनी में शिवानी भी आने वाली है। शिवानी भी आने वाली है? हाँ। किसी ने ऐसे ही फोन कर दिया होगा, शिवानी भला कैसे आ सकती है? नहीं नहीं वर्मा साहब, हमारा नसीब जो रंग दिखा रहा है, ये हो सकता है कि शिवानी यहाँ आ भी जाए। राहुल, तुम्हारे मुंह में की शक्ति सचमुच, अगर आज शिवानी आती है ना तो मुझे उतनी खुशी होगी जितनी वैशाली और मुकुल के घर लौटने के बाद हुई थी। ये वकील भी टाइम के पाबंद नहीं होते। आइए वकील साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। सॉरी सॉरी, आई एम लेट। कहिए। बैठिए। देखिए आपके इस केस में हमें दो बातों का न सिर्फ ख्याल रखना है बल्कि उन्हें साबित भी करना है। कौन सी दो बातें? पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें साबित करनी होगी वो है राजकुमारी मोनिका की दिमागी हालत। उसमें साबित क्या करना है? उसमें हमें ये साबित करना है कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है, और ये साबित करना पड़ेगा उनके ताया जी यानी कि मामा जी के वकीलों के सामने, जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री से पूरी तरह से वाकिफ है। मगर प्रिंसेस मोनिका की मेडिकल रिपोर्ट्स के सामने ये साबित करना कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, वो नॉर्मल है, बहुत मुश्किल होगा। हमें कुछ एक्सपर्ट्स का पैनल बनाकर उस मेडिकल हिस्ट्री को झुटलाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? और दूसरे हमें ये साबित करना होगा कि जिस वक्त मामा जी ने अंबिका को गोद लिया था और अपनी सारी जायदाद और राजकुमारी का टाइटल उसे दिया था, उस वक्त उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब आप? आप कह रहे हैं कि एक आधी पागल औरत को हमें नॉर्मल साबित करना है और एक नॉर्मल आदमी को पागल? जी, अगर हम ऐसा कर पाए तभी ये केस जीत पाएंगे। देखिए वकील साहब, ये केस जीतना मेरे लिए जिंदगी और मौत जैसा है, मगर ये पागलपन का काम? पागल शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए ना। तो फिर भाई, दिस इज अ केस ऑफ स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। हमें साबित ये करना है कि राजकुमारी मोनिका का दिमाग नॉर्मल है, और जब मामा जी जेल में थे तब उनका दिमाग स्टेबल नहीं था। और ये दोनों बातें ही डॉक्टर से जुड़ी हैं। जी वकील साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मगर आप बंदोबस्त कर पाएंगे? आइए वकील साहब, बैठिए। जी शुक्रिया। कहिए कैसे याद फरमाया? ये तो आप जानते हैं कि मोनिका ने अंबिका पर केस किया है कि जो कुछ मैंने अंबिका को दिया है उस पर अंबिका का कोई हक नहीं, कि दरअसल ये सब कुछ उसी का है। उसका मतलब है मोनिका का? या केस दर्ज हो चुका है और जल्द ही सुनवाई के लिए अदालत में आने वाला है। वेल, तब तो इस केस में आप भी एक पार्टी होंगे। बिल्कुल, तभी तो आपको बुलाया है। जहां तक मैं समझता हूं कि उनके वकील ने आपको कोई नोटिस भेजा होगा, क्या मैं उसे देख सकता हूं? ये फाइल है। जी। देखिए महाराजा साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस मामले में जो भी कार्रवाई करनी है वो मैं करूंगा। वैसे सरसरी तौर पे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बिना कुछ सोचे तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि उनके इस केस में कोई दम नहीं है। जो चीज वो लोग चाहते हैं बस वो तो हो ही नहीं सकती। दुनिया का कोई भी कानून उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देगा। बस एक बात याद रहे
कि मैं मोनिका को अपनी जायदाद का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देना चाहता, एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। आप समझे कि नहीं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराजा साहब, दुनिया का कोई भी कानून आपको ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। भाई जहां तक मैं समझता हूं कि 99% तो ये केस एडमिट होते ही खारिज यानी डिसमिस हो जाएगा, और खुदा ना खास्ता अगर हियरिंग की स्टेज तक आ भी गया तो पहली ही सुनवाई में फैसला हो जाए। क्या फैसला? यही के अंबिका को आपने जो कुछ भी दिया है या उसे जो कुछ भी मिला है वो कतई डिस्प्यूटेबल नहीं है। क्या आप ये सब पूरे विश्वास से कह सकते हैं? देखिए महाराज, इसमें विश्वास करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यही तो कानून है। आप जरा ये मुझे विस्तार से समझाइए, जरा समझाइए विस्तार से। देखिए आप अलीपुर के महाराज हैं, आपकी दिमागी हालत उतनी ही दुरुस्त है जितनी कि उस जज की होगी जो इस केस की सुनवाई करेगा और इस मामले में अपना फैसला देगा। अब आप किसे अपना पुत्र स्वीकार करते हैं, राजकुमार या राजकुमारी बनाते हैं, उसका खिताब उसे देते हैं या रुतबा देते हैं, इस बात को अगर कोई आदमी चैलेंज करता है तो यकीनन उसे अपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अदालत के पास इतना वक्त ही कहां है कि जो आपकी निजी बातों में दखलंदाजी करे। आपकी बात में तर्क है, देखिए महाराज अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूं। कुल एक बात पूछूं? पूछा, बुरा तो नहीं मानोगे? देखिए आज इतना अच्छा दिन है, इतनी खुशी है हमारे घर में, अगर बुरा मानने वाली बात ही हो ना तो भी नहीं मानूंगा। अच्छा ये बताओ ये तुम्हारी बहन की जो अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज? दोनों। क्या मतलब? बताता हूँ, वैशाली के लिए जिस लड़की को मम्मी डैडी ने पसंद किया था वही लड़का वैशाली को न सिर्फ पसंद है बल्कि उसे प्यार भी हो गया। ओह रियली? लेकिन ये रोहन कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक्चुअली आने वाला था लेकिन शीतल मौसी का पता बताने के लिए किसी का फोन आया था, वो इसी सिलसिले में गया है। अच्छा, इस मंगनी में किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर मंगनी है ये। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने और मेरे दोस्त खन्ना ने मिलकर ये फैसला किया था कि मेरे बेटे की शादी उसकी बेटी के साथ हो, लेकिन कहीं हमें ये डर था कि प्रेजेंट डे जनरेशन हमारी बात माने ना माने, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से दोनों बच्चों ने एक दूसरे को चुन लिया। यानी ये जो मंगनी हो रही है तो ये होने वाले दूल्हा दुल्हन, लड़की के माता पिता, लड़के के पिता, इन सब की मर्जी और खुशी से हो रही है ना? ये अनहोनी बात। वाकई अनहोनी बात। रस्में समाप्त हो चुकी है, मंगनी का टाइम हो चुका है, आप लोग इस ओर आ जाइए। हाँ हाँ आइए भाई आइए। वैशाली हाथ बढ़ाओ। ठहरो।